प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट, कुछ देर में होगी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। नड्डा के आवास पर कुछ देर में बैठक शुरू होने जा रही है। कोर ग्रुप की बाद सीईसी की मीटिंग होगी शाम 6 बजे। सीईसी की बैठक में नामों पर अंतिम मोहर लग जाएगी। दूसरी बार में बीजेपी एक जंबो लिस्ट जारी कर सकती है। पहली सूची में 41 सीटों का ऐलान हो चुका है। तो 11 बजे ये बैठक शुरू होनी है। पहले 10 बजे का समय रखा गया था, कुछ कारणों के चलते उस बैठक को 11 बजे के लिए टाल दिया गया। 11 बजे का नया समय दिया गया। उस समय राजेंद्र सिंह राठौड़ पहुंच चुके थे 10 बजे बैठक पर, नड्डा के आवास पर, लेकिन वो फिर बाहर निकल आए। अब 11 बजे बैठक शुरू होनी है। इस बैठक के बाद शाम को 6 बजे एक और बैठक होगी और उस बैठक के होने के फौरन बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो जाएगी। माना यह जा रहा है कि ये जो दूसरी लिस्ट है ये जंबो लिस्ट होगी, यानी ज्यादा कैंडिडेट, ज्यादा उम्मीदवारों के नाम इसमें होंगे। उम्मीद ये भी जताई जा रही है, सूत्र ये भी बता रहे हैं, जानकारी ये भी मिल रही है कि इस दूसरी लिस्ट में भी कई एमपीज के नाम विधानसभा चुनाव के लिए सामने आ सकते हैं। साथ ही 12 से 13 सिटिंग विधायकों के टिकट कट सकते हैं। तो दिल्ली से जुड़ी ही ये खबर है, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी खबर। अब तक 100 से ज्यादा नाम पर मोहर लग चुकी है। अधिकांश मौजूदा विधायकों की टिकट पक्की है, लेकिन 12 सिटिंग एमएलए की टिकट काटी जा सकती है। जिन पर सस्पेंस है उनको होल्ड रखा जाएगा। निष्क्रियता, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी, उदासीनता के मापदंड के आधार पर भी टिकट कटेंगे। उम्रदराज विधायकों का भी टिकट कट सकता है, यानी कि जो श्रेणी तय की गई है जिनके टिकट कटने की, उसमें हम अपने दर्शकों को बता दें कि ऐसे नेता जो पिछले 5 साल में विधायक तो रहे, लेकिन पार्टी स्तर के ऊपर जहां जहां उनकी जरूरत महसूस हुई निष्क्रिय रहे, उदासीन रहे, या वो नेता जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे, पार्टी के खिलाफ बयानबाजी में शामिल रहे, ऐसे नेताओं की टिकट कटना भी तय है। 12 सिटिंग एमएलए की टिकट कटना तय माना जा रहा है। और जो बुजुर्ग हैं, जो एक निश्चित उम्र को पार कर चुके हैं, उनके टिकट भी कटेंगे, लेकिन 100 के करीब नामों पर मोहर लग चुकी है। इसमें कई एमपीज भी शामिल होने वाले हैं। पहली लिस्ट में 7 एमपी शामिल हुए थे। तो बीजेपी से जुड़े तमाम कैंडिडेट्स को इस लिस्ट का बेसब्री से इंतजार है। और लखवीर एक बार फिर से हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। लखवीर, 11 बजे का समय दिया गया था, 11 बज चुके हैं, बैठक शुरू हो गई है। देखिए, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की बैठक जेपी नड्डा के आवास पर आज है। तमाम बड़े नेता पहुंच गए हैं राजस्थान से जुड़े हुए। अब इंतजार है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने का। हालांकि अभी प्रस्तावना रखी जा रही है बैठक की कि किन क्या क्या अब तक होमवर्क हो चुका है और अब किन किन सीटों पर डिस्कस होना है, क्योंकि करीब 100 सीटों पर डिस्कशन हो चुका है, लेकिन पहली सूची में करीब 70 से 80 नामों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि अभी जेपी नड्डा के सामने प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर प्रस्तावना रख रहे हैं कि आखिरकार कल जो 5 घंटे तक मैराथन मंथन हुआ उनमें किन किन सीटों पर मंत्रणा की गई और सहमति किन किन सीटों पर बन गई है। वहीं अगर इस बैठक में शामिल होने वाले नेताओं की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी सहित तमाम लोग इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच गए हैं। अब इंतजार है अमित शाह के आने का। उनके आने के बाद विधिवत रूप से बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि फिलहाल प्रस्तावना रखी जा रही है। आज की ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण है आसिफ, क्योंकि कल जिस प्रकार से मैराथन मंथन हुआ उससे पहले मंगलवार को भी 5.5 घंटे जेपी नड्डा के आवास पर ही मंथन हुआ प्रदेश कोर ग्रुप के साथ, जिसमें तमाम तरीके की एक्सरसाइज की गई और प्रदेश इकाई को कहा गया कि एक बार फिर से कोर ग्रुप की बैठक करें, फिर जब सीईसी की बैठक होगी उससे पहले जेपी नड्डा के आवास पर एक बार फिर बैठक होगी। हालांकि आज की जो सीईसी की बैठक है शाम को 6 बजे, उससे पहले फिलहाल जो बैठक हो रही है उसमें
जो सूची सौंपी जानी है दूसरी सूची सीईसी को, उसको फाइनल कर लिया जाएगा और लिफाफे में बंद कर शाम को सीईसी में रखा जाएगा। फिर सीईसी में ये पूरी लिस्ट डिस्कस होगी और सीईसी में डिस्कस होने के बाद लॉक कर दी जाएगी ये सूची और आज देर रात को या फिर कल दूसरी सूची का ऐलान कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से पहली आधिकारिक सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की थी तो 41 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया था और कई चौंकाने वाले नाम सामने आए थे, जिसमें 7 सांसदों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया था और कई अप्रत्याशित चेहरों को भी टिकट काट दी गई थी, जिसमें नरपत सिंह राजवी, राजपाल सिंह शेखावत, ये दो बड़े नाम शामिल थे। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दूसरी सूची में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा क्या, क्योंकि जिस प्रकार से पहली सूची का ऐलान हुआ उसके बाद तमाम तरीके के विरोध के स्वर देखने को मिले, बगावत मुखर हुई। ऐसे में पार्टी चाहती है कि दूसरी सूची बैलेंस आए, दूसरी सूची में वर्तमान विधायकों को तरजीह दी जाए, मौका दिया जाए, ताकि पार्टी के भीतर विरोध का जो स्वर है वो ना उठ पाए, बगावती स्वर ना पनपे। इसलिए तमाम मौजूदा विधायकों के ज्यादा से ज्यादा टिकट इस सूची में देखने को मिल सकते हैं। वहीं एक खबर ये निकल कर आई है कि अधिकांश मौजूदा विधायकों को टिकट दिए जाएंगे, लेकिन करीब 1 से 1.5 दर्जन मौजूदा विधायकों पर गाज गिरनी तय है, क्योंकि मापदंड इस बात को बनाया गया है टिकट काटने का कि जो भी मौजूदा विधायक उम्र के पड़ाव पर है उसका टिकट काटा जाएगा। इसके साथ ही जो भी विधायक निष्क्रिय रहा है लखवीर, महत्वपूर्ण सवाल इस बैठक के दौरान ये भी निकल कर सामने आता है लखवीर, जिन एमपीज को उतारा जा रहा है विधानसभा चुनाव के अंदर, पहली लिस्ट में 7 एमपीज उतारे गए हैं और ये माना जा रहा है कि जो दूसरी जंबो लिस्ट आ रही है उसमें भी कुछ एमपीज के नाम जो है वो सामने आ सकते हैं विधानसभा चुनाव के लिए, तो क्या लखवीर बात की गई थी एमपी से, उन्हें ये इशारा दिया गया था, सूचना दी गई थी कि आपको जो है इस बार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार होना है, या फिर उनके लिए भी ये खबर जो है वो चौंकाने वाली है कि वो अब सांसद से सीधा विधायक का चुनाव लड़ेंगे, या पहले बातचीत हो चुकी थी? देखिए, जब से बीजेपी की पहली सूची जारी होने से पहले कवायद शुरू हुई थी टिकट वितरण की, तब से ही इस प्रकार की खबरें तो जगजाहिर हो गई थी कि सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन ये पता नहीं था कि किसको उतारा जाएगा। और जब पहली सूची का ऐलान हुआ तो जिन सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया, वाकई उनको पता भी नहीं था कि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है क्या। और ये तस्वीरें तो हमने देखी भी, जिस प्रकार से सांचौर से देवजी पटेल को टिकट दिया, देवजी पटेल ने तो देवाराम और दानाराम और जीवाराम का पैक्ट भी करवा दिया था दिल्ली बुलाकर टिकट वितरण से पहले ही, कि जिस भी व्यक्ति को आप दोनों में से टिकट मिलती है उसके साथ खड़ा होना है, पिछली बार की तरह बगावत नहीं करनी है क्योंकि नुकसान पार्टी को होता है। लेकिन पार्टी ने तो देवजी पटेल को टिकट दे दिया, जिसके बाद से लगातार उनका विरोध हो रहा है और ये बात कही जा रही है दानाराम और जीवाराम के समर्थकों से कि आपने हमारे साथ साजिश की, आपका टिकट तय था, आपने बताया नहीं, हमारे बीच में पैक्ट करवा दिया और आप तो खुद टिकट लेकर आ गए। ऐसी ही तस्वीर हमने जयपुर ग्रामीण के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ देखी, जब उन्हें झोटवाड़ा से प्रत्याशी बनाया गया तो राजपाल सिंह शेखावत और आशु सिंह सूरपुरा के समर्थक लगातार उनको काले झंडे दिखा रहे हैं, गो बैक के नारे लगा रहे हैं, जबकि वह खुद वहां से क्षेत्रीय सांसद हैं। ऐसी ही तस्वीर हमने देखी, ऐसी ही चर्चाएं हमने देखी दिया कुमारी के साथ। दिया कुमारी राजसमंद से सांसद हैं, हालांकि जयपुर के पूर्व राज परिवार की राजकुमारी हैं, लेकिन उन्हें अंदेशा नहीं था कि विद्याधर नगर से उन्हें चुनाव लड़वाया जाएगा, सेफ सीट मानी जाती है। और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के दामाद नरपत सिंह राजवी 3 बार से वहां से विधायक हैं। लखवीर, इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए लखवीर, आपका बहुत शुक्रिया।